के बाद बैकुंठ चतुर्दशी पर बाबा महाकाल की ये जो सवारी है आज हरिहर मिलन का जो उत्सव है बैकुंठ चतुर्दशी का वो आयोजित होता है।
नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया के ब्रेकऑफ बुलेटिन में आपका स्वागत है। और ये हरिहर मिलन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उज्जैनी जो है पृथ्वी का नाभि केंद्र है, क्योंकि पृथ्वी में प्राण जो है वो माता हरसिद्धि की ओहनी से जो अग्नि आई थी उसी से यहाँ पर पृथ्वी में प्राण पड़ा और तभी यहाँ पर ज्वालामुखी पड़ा। उस ज्वालामुखी में से जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल ज्योतिर्लिंग, वो प्रकट हुए और इसके बाद सृष्टि में जो है प्राण पड़ा और सृष्टि का काल शुरू हुआ। इसीलिए बाबा महाकाल को कालों का काल कहते हैं। 57 ईस्वी पूर्व भी विक्रम संवत की गणना जो है वो सूर्य की गणना के आधार पर यहाँ से की गई। वो महाकाल है जो इस पृथ्वी में प्राण पड़ने के अधिष्ठाता है। और वही अगर हम बात करें हिंदू माइथोलॉजी की, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन मुख हिंदू माइथोलॉजी में कहे जाते हैं। तो जो विष्णु को मानने वाले हैं, जो आकार स्वरूप को मानने वाले हैं, वो कर्ण को यानी मूर्ति को पूजते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। जो शिव को निराकार स्वरूप को पूजते हैं वो शैव कहलाते हैं, वो नाद स्वरूप को पूजते हैं। और तीसरा मुख होता है ब्रह्मा का। तो ये शिव के गण होते हैं, वो विष्णु के गण होते हैं, और जो ब्रह्मा का जो अण होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। और उज्जैनी जो है ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त है, क्योंकि सत्ता चाहे हर की हो, चाहे हरि की हो, चाहे वैष्णव की हो, चाहे शिव की हो, मगर उसमें सामंजस्य जो है वो ब्राह्मण ही बिठाता है। इस विषय में हमारे साथ बात कर रहे हैं महाकाल मंदिर के प्रमुख पुजारी जी महेश पुजारी जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और इस विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकऑफ बुलेटिन में। ये जो आपने हमें अभी परिकल्पना बताई ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्या इस विषय में आप पूरा और प्रकाश डालेंगे? पृथ्वी पर जब भी कोई संकट या आफत आती है तो ब्राह्मण ने ही उसका निराकरण किया है। देवताओं ने भी और राजाओं ने भी सर्वप्रथम ब्राह्मण को पूजा है। वो तो ब्राह्मण से ही अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग पूछा। आज आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये पृथ्वी के लिए ज्ञान की बात भी है और समन्वय की भी बात है। हमारे जो निराकार देव हैं जिसको शिव कहा गया है, उसी निराकार में से तीन स्वरूप निकले हैं जिनको हम आकार स्वरूप में मानते हैं। शिव को शिव जिसका नाम दिया है, ब्रह्मा जिसका नाम दिया है, और विष्णु जिसका नाम दिया है। तो विष्णु जो साकार स्वरूप रहे हैं सभी मंदिरों में, उनकी जो पूजा होती है वो वैभवशाली है, उनको वैभवता से पूजा गया है और वैभव का ही उनको आनंद आता है उसी वैभवता में। भगवान शिव निराकार होते हैं जिसका कोई आकार नहीं था, और जिन्हें शंकर कहते हैं, जो आकार स्वरूप जब हुआ जब वो शंकर स्वरूप, तो जब शिव जो निराकार हैं वो वरदानी हैं, शमशानी मशानी भी उनको कहा जाता है, यानी कि वो कैलाशवासी भी हैं। और कैलाश सबसे ज़्यादा स्वर्ग जो है वो कैलाश है, कैलाश। तो शिव और वैष्णव दोनों का अपना अपना भार है। शिव संहार करता देवता है, पृथ्वी पे जब भी अत्याचार पापाचार होता है तो शिव उसे संहार के रूप में करके, और समन्वय और सतयुग जिसको सतयुग के रूप में माना जाता है उसको स्थापित करते हैं। वैष्णव पालन करता है, जो इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य स्वरूप है उसका पालन करते हैं, और उस पालन करने में और संहार करने में जो बीच का समय आता है, जो शुभ कार्यों का समय आता है, उन समय के अंदर जब भगवान पालन करते हुए थकान सी महसूस करते हैं तो 4-6 महीने के लिए अपना भार भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान शिव का दायित्व बढ़ जाता है, वो दो भार संभालते हैं। एक भार
संहार का भी है और एक पालन का भी है। दोनों का समन्वय करके शिव ने इस संसार को एक ऐसा समन्वय दिया है, समानता दी है, इसे भक्तों को समझना चाहिए। और आज का दिन जो वैकुंठ चतुर्दशी मानी गई है, कार्तिक मास जो होता है, ये कार्तिक मास विष्णु का मास होता है, इसमें विष्णु की पूजा होती है। इस मास में स्वयं भगवान अपने द्वार से महाकाल मंदिर से निकल कर और उनके द्वार में, उनके दरबार में जाकर ये पालन का जो अधिकार जो उनके पास था वो आज उनको सौंप दिया। अब जो 6 महीने का जो है वो स्वयं पालन करेंगे और 6 महीने भगवान शिव इस तरफ से विश्राम करेंगे। जो भी अब सोमवार का जैसे महामारी है तो एक सोमवार हुआ, ये भी उसके अंदर कट माना जाता है कि जब जब ऐसी व्यवस्था होती है तो सोमवार तो ये जो दोनों को मिलाने का काम आप और देखें तो महामारी उतने समय बंद भी रही, कम भी रही थोड़ी, जब प्रहार वहाँ क्योंकि उस वक्त भगवान के द्वार भी बंद हो गए तो भगवान का प्रलय भी ज़्यादा हो, द्वार खुले तो प्रलय वापस रुका कम हुआ। तो ये भगवान शिव और वैष्णव का दोनों का समन्वय है और इस समन्वय को करने वाला जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है ब्राह्मण, जो देवता दानव सबको मिला के चलाने वाला है जी, वो आज उस कर्तव्य को निर्वाह कर रहा है और दोनों को समन्वय कर रहा है। वो ये आम भक्त जो संसार में मनुष्य रूप है, ये पृथ्वी जो है ये मृत्यु लोक कहलाता है, हमारे 3 लोक है, आकाशे तारकालिंगम पाताले अर्केश्वरम मृत्यु लोक है महाकालम, ये मृत्यु लोक है। और यदि इसका कोई राजा है तो वो महाकाल जो दक्षिण मुखी है वो उसका राजा है। सारी जहाँ जहाँ पृथ्वी पे मृत्यु होती है उसका वो राजा है। तो कहने का दोनों का समन्वय शायद इसीलिए जो चातुर्मास जो 4 महीने होते हैं उसमें जो हिंदू मैथोलॉजी में मोक्ष की अवधारणा ही सबसे परिपूर्ण अवधारणा है, तो शायद उसी लिए कि उसमें आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान ये और ये सारा भी हो जाता है और देवताओं का पूजन आराधना ये भी की जाती है। तो ये एक ब्राह्मण परिवार दोनों देवताओं ये समन्वय जो करा रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके माध्यम से सारे देश देख रहा है। तो जो भी भक्त है वैष्णव धर्म को मानने वाला, शिव धर्म को मानने वाला, उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार इन दोनों धर्मों में कोई भेद ना करे और दोनों को समान रूप से माने तो उसका कल्याण है, उसका मोक्ष भी है और वो दूसरों को भी वो मार्ग प्रशस्त। यदि वो ये मार्ग से भटकता और एक ही मार्गों को पकड़ता है तो वो दोनों देवताओं की पूजा न कर करता है तो उसका मोक्ष संभवतः नहीं हो पाता है और पुनर्जन्म पुनर्जन्म पृथ्वी पे कई जन्मों में कीड़े मकोड़ों की योनि में उसको जाना पड़ता है। इसलिए ये संदेश यहाँ से ब्राह्मणों के द्वारा दिया जा रहा है कि आप जो वैष्णव और शैव हैं वो एक ही हैं, दोनों देवताएँ एक हैं और तीसरे जो ब्रह्मा है वो दोनों का समन्वय कर रहा है। इसलिए पूरा देश इन त्रि देवताओं की सृष्टि के अंदर बसा हुआ है, ये सबसे बड़ी मान्यता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही रोचक जानकारी हमको दी और इससे निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा और धर्म को समझने में और हिंदू मैथोलॉजी को समझने में बहुत सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।